हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी पैसों की प्रॉब्लम होती है? या तो सेविंग नहीं हो पाती, या जो चाहिए वो मिलता नहीं है क्योंकि पैसे कम पड़ जाते हैं। अगर आपका यही प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सेविंग चैलेंज जो मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। तो आज मैं बताऊँगी कि आप कैसे 50 रुपीज़ से स्टार्ट करके 6,000 रुपीज़ मंथ के एंड तक कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा, मैंने वहाँ पे 100 रुपीज़ को टिक किया था। तो मैंने क्या किया था, 100 की नोट लिया, उसको स्मॉल इसमें फोल्ड किया। आपके घर में जो भी पिगी बैंक होगा जिसको लॉक होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास पिगी बैंक नहीं है तो कोई ऐसा डब्बा जो आपके नज़र में नहीं रहना चाहिए, कोई एक साइड में अंदर कोने में होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, यही जो पैसे हैं वो उसमें डालते रहने हैं पूरे मंथ एंड तक। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने पैसे दिखाए थे, बट एक्चुअल में आपको कितने पैसे रोज़ डालने हैं वो आगे आपको मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो एक लेआउट के लिए मैंने एक पेपर लिया है, एक स्केल है, दो ब्रश पेन्स हैं, एक पेंसिल है, एक गोल्डन पेन है। यहाँ पे मैंने एक पिगमेंट लाइनर लिया हुआ है जिसका कि नंबर 05 है। आपके पास ये सब नहीं है तो आप नॉर्मल पेन एंड पेंसिल या ब्लू पेन या ब्लैक पेन ऐसे लेकर भी कर सकते हो, बट एक्चुअली मुझे थोड़ा ये एस्थेटिक लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा क्रिएटिव लगता है, इसलिए मैं रखती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कुछ मनी स्टिकर्स लिए हैं, बिकॉज मनी अट्रैक्ट्स मनी, राइट। और फिर और भी स्टिकर्स हैं मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें से मैंने मुझे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाली शीट चूज़ की है। वेट वी डोंट वरी, मैं इतने सारे स्टिकर्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसमें से जस्ट 2 स्टिकर्स ही यूज़ करने वाली हूँ ताकि वो ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं लगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको भी यही सब चीज़ें लेनी है, जस्ट मुझे थोड़ा, मेरा माइंड क्रिएटिव साइड में भी है तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, तो इसलिए मैं मनी एंड क्रिएटिविटी दोनों को साथ लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप नॉर्मल ब्लू रेड ब्लैक पेन स्केल एंड पेंसिल इनको लेके भी ये कर सकते हो। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऊपर लिखना है सेविंग्स चैलेंज, तो उसके लिए मैं अपने पेज के हिसाब से मेजर कर रही हूँ और वहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि मेरा A4 साइज़ पेपर था तो मैंने फर्स्ट वर्टिकली 5 सेंटीमीटर लिया था और फिर लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल। फिर मैंने उसके नीचे 1.5 सेंटीमीटर की एक और एक लाइन बनाई है। एज यू ऑल नो गाइस कि पैसे बचाना कितना इम्पोर्टेंट है और वो कितना हार्ड भी है, बिकॉज ऐसे छोटे छोटे पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट हो जाते हैं। लाइक हम लोग कुछ भी बाहर जाते हैं तो कुछ भी लेकर आते हैं, जब भी जबकि वो हमें ज़रूरत ही नहीं होती उस चीज़ की, तभी भी हम लोग लेकर आते हैं। तो क्यों ना हम वही पैसों का एक राइट वे में यूज़ करें, जिससे हम लोग को जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ लेनी होती है, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग ये ले सकते हैं, उसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो सेविंग की ये इजी ट्रिक्स जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बीच में स्किप मत करिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़े डिस्टेंस से 1 1 सेंटीमीटर के 10 डॉट्स लगाए हैं, एंड फिर मैं उसको एक बॉक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 1 सेंटीमीटर, जैसे आप देख रहे हो, डॉट्स लगा रही हूँ और फिर मैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊंगी। और गाइस, बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सेविंग्स चैलेंज कोई भी एज का कर सकता है, लाइक छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, बड़े हो। तो इसमें एक मज़ा आता है करने में कि लाइक आपको डेली एक टास्क पूरा करना है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे एक साइड में जमा हो रहे हैं। इसमें आपको कुछ प्रेशर या बर्डन ऐसे भी नहीं आएगा, बस मेन थिंग वही है कि आपको
उन पैसों को ऐसी जगह पे डालना है, या जैसे मैंने बोला पिगी बैंक में डालना है, जिसको लॉक होना ज़रूरी है, वो ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इमरजेंसी में कभी भी उसको निकाल सकते हो। तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो आप मेक श्योर करो कि आप कोई डब्बे में रख रहे हो तो वो डब्बा मतलब आपके रीच से दूर हो, ताकि आप उसको ईज़िली कनेक्ट नहीं कर सको। तो ये सेविंग्स चैलेंज मेरे लिए नया नहीं है, बिकॉज मैं 2022 से उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। हालांकि नंबर्स थोड़े आगे पीछे होते थे, लाइक ये यहाँ पे जो बता रही हूँ वैसे वाले नंबर्स नहीं थे, कुछ अलग नंबर्स थे, बट इट वाज काइंडली सिमिलर। तो मेरे लिए तो ये नया नहीं है, बट इससे मुझे बहुत हेल्प हुई, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं स्केल लेके क्या कर रही हूँ कि 2.5 के डिस्टेंस पे मैं 7 कॉलम्स बनाने वाली हूँ। हाँ, तो हम कहा थे यस, तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग टेक्निक लाया है, बिकॉज नंबर्स एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। आप यकीन नहीं करोगे कि इस टेक्निक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं तो बहुत ही सेल्फिश टाइप की इंसान हूँ। सेल्फिश इज़ नॉट बैड सेंस में, गुड सेंस में। जैसे कि मैं पहले खुद के बारे में सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरों के बारे में तब सोच सकते हैं जब हम खुद स्ट्रांग हो। हम खुद ही स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो हम दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। इसके वजह से आप खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, फिर दूसरों की मदद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोज़ सुबह उठते हैं, दूध वाले को पैसे देते हैं, पेपर वाले को पैसे देते हैं, मार्केट में जाते हैं तो सब्ज़ी वाले को पैसे देते हैं। आई नो दे आर नीड्स। तो हम सबसे पहले सुबह उठ के खुद के लिए पैसे क्यों नहीं निकालें? सोचने वाली बात है ना। खुद को पैसे देना, ये हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, देन फिर दूसरों को देना। तो सबसे पहले आपको खुद को पैसे देने हैं, जैसे कि इस ट्रिक में आपको मैं बताऊंगी आगे। देखिए, जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे, आप कोई चीज़ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने खुद को चैलेंज किया तो ज़रूर आप उसको ट्राई करने की कोशिश करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे मैंने अपना लेआउट बना लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स है 7, ईच टैब इज़ 2.5 सेंटीमीटर का है, एंड जो रोज है, रोज कितने हैं लाइंस, 10 लाइंस हैं। तो आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है। आप में से कई लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि ये क्या बड़बड़ कर रही है और ये क्या कॉलम विलम बनाने रही है, बट यस, सिस्टमेटिक होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा आपको, कि आपको ऐसे ही फॉर्मेट में वो मतलब बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए फिलिंग शुरू करते हैं। जो मेरा बेस्ट पार्ट है, दैट इज़ ब्रश पेंस। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक मेथड से सेविंग्स चैलेंज ऐसा नाम लिखा है, जो मैं लिख रही हूँ अभी। ये बहुत इजी टेक्निक है, आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी आ जाएगा। और हाँ, ये वाले जो ब्रश पेंस है वो कैमलिन ब्रांड की है, तो इनकी मतलब बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये ब्रश पेंस। बट आई होप वो और कलर्स इसमें निकालें। एंड यस, तो आप देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऐसे देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको कैलीग्राफी पसंद है तो। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे ऐसे क्रिएटिव चीज़ें, क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक थोड़ा माइंड रिलैक्स लगता है, बिकॉज हेक्टिक शेड्यूल होता है तो माइंड को रिलैक्स रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोई भी अपनी हॉबी या कुछ भी ऐसे करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है, तो आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स। तो अब 2023 में आप ये सेविंग्स चैलेंज करने वाले हैं कि नहीं? तो आपको ये कैसे लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये अच्छा लग रहा है कंसेप्ट, नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर से उसको थोड़ा शेडो इफेक्ट दिया है,
लाइक थोड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, बहुत टाइम बाद मैंने बड़बड़ वाला वीडियो शूट किया है। बड़बड़ मींस मेरी बड़बड़। लाइक मैंने ये लाइक लास्ट ईयर जब भी कोविड था तभी मैंने शूट का स्टार्ट किया था, वीडियो का जो यूट्यूब का था वो। लाइक मैं तभी कार में बैठ के करती थी बिकॉज घर पे बहुत शोर होता था इसलिए। तो जबकि अभी मैंने नया सलून लिया हुआ है मेरा, तो मैं यहीं पे बैठ के आराम से रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ और कोई भी आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आज बहुत बड़बड़ कर रही हूँ, सॉरी। तो हाँ, यहाँ पे मैंने बीच में एक लाइन बनाई है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि वहाँ पे मुझे मंथ लिखना है। और हाँ, ये सेविंग चैलेंज जो है वो मंथली है, लाइक हर एक मंथ में अलग अलग सेविंग चैलेंज होगा। तो ये मैं अभी जैन का बना रही हूँ। ये तो यहाँ पे मैंने गोल्डन पेन लिया हुआ है जिससे मैं थोड़ा लाइन बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसी पेन से जो मंथ है वो भी लिखने वाली हूँ। आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल या कोई भी पेन से कर सकते हो, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें लेनी है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आपके पास पेन पेंसिल जो भी है अवेलेबल है उससे करो, मुझे ही अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने जैन लिख दिया है कैपिटल लेटर्स में, सो यस नाउ इट्स टाइम टू फिल। तो यहाँ पे मैंने एक लाइनर लिया हुआ है पिगमेंट वाला। तो यहाँ पे अब अच्छे से देखो कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। ये एक कैलेंडर की शीट है तो कैलेंडर की तारीख वो इसमें मैं फिल करने वाली हूँ फर्स्ट कॉलम में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने फिल किया। तो अभी ये नीचे का कॉलम मुझे छोड़ देना है, फिर उसके नीचे क्या आ गया 8 9, फिर वैसे ही 10 11 12 13 14, फिर से हमें ये कॉलम छोड़ देना है, फिर 15 16, देन 17 18 19 20 21, फिर से हमें ये कॉलम छोड़ देना है, वापस से नंबर्स लिखने हैं 22 23 24 25 26 27 28, फिर से ये कॉलम छोड़ देना है, देन 29 30 एंड 31। तो ये हमने लिख दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, वही गोल्डन पेन मैंने लिया फिर से। अभी हमें जो ये बीच के कॉलम्स हैं वहाँ पे मनी लिखना है, मनी का नंबर लिखना है, जैसे कि फर्स्ट में मैं लिख रही हूँ 50 50 रुपीज़, यानी मुझे एक तारीख को 50 रुपीज़ डालने हैं जो मैंने गुल्लक दिखाया था उसमें, ठीक है। तो इसमें 50 डाले, अभी सेकेंड तारीख को मैं 50 नहीं डालूँगी, अभी सेकेंड तारीख को मैं 100 रुपीज़ डालूँगी, ठीक है। फिर तीन तारीख को मैं 150 रुपीज़ डालूँगी, ओके। फिर वैसे ही फोर्थ तारीख को मैं 200 रुपीज़ डालूँगी, देन फिफ्थ को 250 रुपीज़ डालूँगी, देन सिक्स को मैं 300 रुपीज़ डालूँगी और सेवन्थ को मैं 350 रुपीज़ डालूँगी। सो हो गया। सो वेट वेट वेट, डोंट वरी कि इससे आगे नहीं बढ़ने वाला है, यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। लाइक अगेन 8 तारीख को 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये और 350 रुपये, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो मैं आपको इसके बाद में लास्ट में बताऊंगी कि ये कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कन्वर्ट होता है और इससे कैसे आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। बस जस्ट आपको प्योर हार्टली डेडिकेटली ये जो पैसे हैं वो डेली कंप्लीट करने हैं, एक टास्क समझिए जैसे भी उसको आपको कंप्लीट करना है, फिर देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यस, तो ये हो गया एंड चार्ट कंप्लीट है। ये एक्चुअल में कैलेंडर के डेट्स हैं। तो अभी इस जो कॉलम है इसमें मैं अपना टारगेट लिखूंगी और टारगेट ऐसा वैसा ऐसे ही नहीं होगा, इसी का कैलकुलेशन होगा, जो कि गोल्डन लेटर्स में जो नंबर्स हैं उसी का टोटल अमाउंट होगा जो कि बन के आ रहा है 5,900 रुपीज़। हाँ, उससे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा एक हाईलाइट किया है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए,
आई प्लीजिंग लिखने के लिए ऐसी। तो यहाँ पे मैंने फिर से जो मार्कर पेन है वो भी लिया है। एंड यहाँ पे मैं ऊपर थोड़े डॉट्स बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे डेज का जो सिंबल है प्रीफिक्स लिखना है, जैसे कि संडे का एस, मंडे का एम, ट्यूसडे का टी, वेडनेसडे का डब्ल्यू, थर्सडे का टी, फ्राइडे का एफ, ऐसे करके। तो अभी मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मैं टारगेट लिखने वाली हूँ, तो ये इसी का कैलकुलेशन है, जो कि आ रहा है 5,900 रुपीज़। तो इसमें आप जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप 100 रुपीज़ डाल दो, ऐसी 100 रुपीज़ तो कोई भी कैसे भी डाल सकता है, तो ये 6,000 रुपीज़ बनते हैं। येस, ट्रस्ट मी, होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा अमाउंट आपने ऐसे ही सेव किया है, मतलब बिना सोचे समझे छोटी छोटी पैसे बचा के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मैंने संडे से जो कैलेंडर के हिसाब से लिया हुआ है। तो कैसे लगा आपको मेरा ये आइडिया? होपफुली आपको ये बहुत हेल्प करेगा, जैसे मुझे इसने 2022 में हेल्प किया है। बट नेसेसरीली नॉट नेसेसरी कि ये यही अमाउंट है, मैं हर महीने अलग अलग अमाउंट का लेकर आती हूँ और अभी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े स्टिकर्स लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने जो मनी स्टिकर लिया है ये आप मैंने खुद ही बनाया है, जैसे कि आप कोई भी मतलब बैकग्राउंड ले सकते हो, उसमें आप पैसे रख दो, उसका फ़ोटो निकालो और फिर प्रिंट कर दो, जो स्टिकर वाला ऐसे स्टिकर वाले प्रिंट ये आते हैं, शीट्स आते हैं, उनको बोल देने का कि स्टिकर में चाहिए, तो वो लेकर आते हैं, कट किया मैंने और इसमें स्टिक कर दिया। बिकॉज़ मैंने बोला था कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, तो आप मनी को देखोगे कि ये मनी भी है। मैंने पर्पसली कैसे क्लिक किया, देखो ये बढ़ते हुए इसमें है, लाइक 5, 10, 20, 50, फिर 200, फिर 500 की नोट है, फिर 2000 की है, तो ऐसे कैसे बढ़ते फॉर्म में रखा है जानबूझ के, ताकि मुझे पता है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो इसकी वजह से मैंने ये वाला फ़ोटो इसमें डाल दिया है और मैं थोड़ा माइंड रिलैक्स के लिए इसमें ये वाला स्टिकर भी डाल दिया है। गाइस, ट्रस्ट मी, आप अगर ये फॉलो करते हो, प्योर हार्ट डेडिकेटली फॉलो करते हुए, आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये पैसे, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आपको मेरा ये जो एफर्ट है या वीडियो है, जैसे भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए, ताकि वो भी 2023 का रेजोल्यूशन कुछ एक चैलेंज के हिसाब से देखें। बिकॉज आगे भी कोविड आएगा नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि कोविड के टाइम्स में बहुत प्रॉब्लम हुई थी पैसों के रिलेटेड, क्योंकि मैं उससे गुजरी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि और भी किसी के साथ में ऐसा हो जैसे मेरे साथ हुआ है। तो ये जस्ट अ टोकन है कि आपके साथ शेयर करूँ मैं जो मेरा आइडिया है वो। तो यहाँ पे मैं मेरा ये शीट रेडी हो चुका है और यहाँ पे अभी मैं उसको पंच करने वाली हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे एक पंच मशीन लिया हुआ है और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने उसका लॉक खोला नहीं है, तो मैं उसको ऐसे ही डाल रही हूँ। तो अब देखा, बाद में मुझे पता चला कि जा क्यों नहीं रहा है भाई, अरे फिर देखा मैंने कि अरे इसमें तो लॉक है, मैंने उसको हटाया ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद उसको यूज़ किया था इसके वजह से। तो अभी मैं उसको डाल दूँगी अंदर और फिर इसका पंच होने के बाद में मैं इसको फाइल, अपने जो फाइल है उसमें मैं लगा दूँगी। तो ऐसे ही मैं हर एक मंथ का अलग अलग चैलेंज लेके आने वाली हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए, तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी ऐसे करूँ। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसको परफेक्ट बनाने में, परफेक्ट एंगल क्रिएट करने में। तो मैं अपना पूरा सोल इसमें लगा देती हूँ कि ये अच्छा हो, आप तक इसका मैसेज पहुँचे। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा और बहुत दिनों बाद विदाउट एनी माइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बड़बड़ सुन रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए। ओके, बाय।